यूक्रेन जंग में पुतिन के साथी वैगनर ग्रुप की बगावत, रूसी शहर पर कब्जे का दावा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन बोले, विद्रोह करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, वैगनर जीत ने महत्वाकांक्षा की वजह से देश को दिया धोखा, विद्रोह कर पीठ में घोपा छूरा। रूसी सेना ने लोगों को दी सुरक्षा की गारंटी, मॉस्को में वैगनर के लड़ाकों के खिलाफ संभाला मोर्चा। यूएस के सफल दौरे के बाद अब से थोड़ी देर में मिस्र पहुंचेंगे पीएम मोदी, मिस्र के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात, ऐतिहासिक मस्जिद अल हकीम का भी करेंगे दौरा। मणिपुर हिंसा पर दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग, ममता बनर्जी और शरद पवार ने मीटिंग से बनाई दूरी। मणिपुर के हालात पर ओवैसी का तंज, सरकार ने मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ा, मोदी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हिंसा को रोके। मणिपुर में इस सरकार ने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया, जलने दिया, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जिम्मेदारी थी उसको उस वायलेंस को रोके, वहां के ट्राइबल लोगों को आश्वासन दे के भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपसे। शिमला में विपक्ष की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जुबानी जंग, अजय माकन का अटैक, बीजेपी से मिले हुए हैं केजरीवाल। अजय माकन बोले, जेल जाने से बचने के लिए केजरीवाल मांग रहे समर्थन, भ्रष्टाचार किया है तो सजा काटनी पड़ेगी। आप पर कांग्रेस का पलटवार, का अध्यादेश पर संसद में होगी चर्चा, विपक्ष के बीच दरार पैदा करने के लिए केजरीवाल उतावले क्यों। कांग्रेस सांसद उदित राज का बयान, 20 दलों में से किसी ने कोई शर्त नहीं रखी, सिर्फ केजरीवाल की पार्टी शर्त रख रही है, यह ठीक नहीं। दल के लोग गए, किसी ने कोई शर्त नहीं रखी कि मेरी बात उठे तो हम आएंगे, एक तरह से बीजेपी की मदद ही करना होगा, यहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर सबकी सहमति जरूरी है। इंडिया टीवी से बातचीत में दिल्ली अध्यादेश पर बोले सीपीआई महासचिव डी राजा, सभी विपक्षी दलों को करना चाहिए अध्यादेश का विरोध। विपक्ष की मीटिंग पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने केजरीवाल को घेरा, कहा आप पार्टी ने आर्टिकल 370 हटाने में बीजेपी का समर्थन किया था। उस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने तो आर्टिकल 370 के निकालने को, जो मेरी नजर में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज था, उसका सपोर्ट किया बीजेपी को। केजरीवाल सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन का अटैक, ये सिर्फ अपने आप में जी रहे हैं, इनका मुद्दा रहे, इनके मुद्दे पे बातचीत हो, इनके मुद्दे पे आज ही बातचीत हो जाए, आज बातचीत होगी, अगर समझो बात भी हो जाए तो क्या हो जाएगा, इश्यू तो आएगा राज्यसभा में ना, राज्यसभा में जब आएगा तो जब हम लोग हमारा स्टैंड क्लियर करेंगे। पटना में हुई विपक्ष की बैठक पर बोले संजय राउत, उद्धव ठाकरे ने कहा है अगर 2024 में नहीं बदली सत्ता तो ये आखिरी चुनाव होगा। उद्धव जी ने यही कहा है कि अगर 2024 को हमने ये सत्ता परिवर्तन नहीं किया, 2024 का चुनाव लोकसभा का आखिरी चुनाव होगा, इसलिए लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हमको एक साथ रहना है, चुनाव लड़ना है, राजनीति और सत्ता की राजनीति बाद में देखेंगे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा बैठक में जितने विपक्षी दल थे सभी ने 2024 में एक साथ लड़ने का संकल्प लिया। अपोजिशन की जितनी पार्टियां वहां थी उसने एक साथ लड़ने का संकल्प लिया और कल संवाददाता सम्मेलन में सभी पार्टी के माननीय नेताओं ने अपनी बात रख दी। राउत ने लोकसभा चुनाव को लेकर किया दावा, अगर विपक्ष मिलकर लड़ेगा चुनाव तो 150 सीट भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। विपक्ष की बैठक पर कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव बोले सभी दल बीजेपी को हराने के लिए आएंगे आगे, खड़गे की अगुवाई में अगली बैठक। विपक्ष की बैठक पर बीजेपी का पलटवार, प्रवक्ता आरपी सिंह बोले वे सिर्फ पीएम मोदी के खिलाफ हुए हैं, एक एकता के पीछे हर पार्टी का अपना मकसद है। विपक्ष की बैठक पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और जब देश की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी और श्री राहुल गांधी जी में से किसी एक को चुनना होगा तो कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी देश की जनता ने पहले ही तय कर लिया है। यह विपक्ष की बैठक का निष्कर्ष मैं इतना ही कह सकता हूं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। विपक्ष की मीटिंग को लेकर ओवैसी का शिवसेना पर अटैक, पूछा मेरी पार्टी को बुलाया नहीं गया, क्या शिवसेना सेकुलर पार्टी हो गई है। हमको तो उसमें बुलाया नहीं गया है, इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि नंबर वन बात यह है कि हम सच्चाई को बयान कर देंगे, दूसरी बात यह है कि उस मीटिंग में शिवसेना है, शिवसेना सेकुलर हो गई है क्या। महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठने को लेकर उद्धव ठाकरे ने विरोधियों को घेरा, पूछा क्या यही है आपका मुस्लिम प्रेम।
इससे सगळं मुस्लिम प्रेम हे मीठ्या काय मारतायत टोप्या काय घालतायत सगळं काय करतायत आणि केवळ मी मेहबूबा मुफ्तींच्या बाजूला बसलो म्हणून तुम्ही माझ्यावरती टीका करता. मी मुद्दामून बसलो, परत एकदा सांगतो, मुद्दामून बसलो. सैतानाचं एक रूप आमच्या समोर असताना या सैतानाला पहिले आम्हाला गाडावाच लागेल, खतम करावाच लागेल. यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, राज्य की सभी 80 सीटों पर जीतेगी बीजेपी, विपक्ष कुर्सी के लिए हो रहा है. यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो हवा में करतब दिखाते नजर आए वायुसेना के फाइटर जेट्स. आसमान में मिराज सुखोई जगुआर ने भरी उड़ान, रनवे पर लैंडिंग का किया अभ्यास, सेना के आला अधिकारी मौजूद रहे. राजस्थान के सीकर में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने, शादीशुदा महिला का ब्रेन वॉश कर बदलवाया धर्म. हर्षिता से हानिया बन गई महिला, परिवार वालों ने तैयब खान और साबिर नाम के शख्स के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर. दिल्ली के ब्रजपुरी में दो चचेरे भाइयों पर चाकू से अटैक, घायल राहुल की हालत गंभीर, दूसरे भाई सोनू के हाथ में आई है चोटें. जैद नाम के लड़के पर है हमला करने का आरोप, आइसक्रीम खाने निकले भाइयों पर किसी बात को लेकर हुआ था विवाद. परिवार के मुताबिक मौके पर पकड़ा गया था जैद, मोहल्ले से आई भीड़ जैद को छुड़ा कर ले गई, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश. हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर किया हंगामा, आरोपी डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग की. लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की बकरीद को लेकर एडवाइजरी, कहा सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी न करने के निर्देश हैं. महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, क्लास फर्स्ट से 8 तक के छात्रों के लिए एक ही किताब में होगा पूरा सिलेबस. सरकार के फैसले से स्कूल बैग का वजन होगा कम, 4 सेमेस्टर के लिए होंगी 4 किताबें, 30 जून से नियम होगा लागू. पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले एक्शन में सेंट्रल फोर्सेस, भीम भूम के कई इलाकों में किया गया फ्लैग मार्च. जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की आतंकियों से मुठभेड़, गोलीबारी में एक जवान घायल, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी. तरनतारन जिले में बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, भारतीय हवाई सीमा में घुसने की कोशिश एक बार फिर नाकाम. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मिला हैंड ग्रेनेड, पूरे इलाके में मची दहशत. बम निरोधक दस्ते ने हैंड ग्रेनेड को किया डिफ्यूज, मामले की जांच जारी. श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने रखी बलिदान स्तंभ की आधारशिला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में लाल चौक पर बनेगा स्मारक. तेलंगाना में संविधान की प्रस्तावना से छेड़छाड़, क्लास 10 की किताबों से हटाया गया सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द, विवाद के बाद सीक्रेट ने मानी गलती. तेलंगाना मामले पर मायावती ने लिखा ट्वीट, लिखा संविधान से छेड़छाड़, सरकार की निष्ठा पर सवाल, ये लापरवाही गंभीर भरा मामला. नैनीताल में मामूली सी बात पर नाव चालक और पर्यटन बुरी तरह से भिड़े, पूरे मामले का वीडियो आया सामने. नाविकों और पर्यटकों के बीच पतवार से हुई लड़ाई, कुछ पर्यटक झील में गिरते दिखे. जामनगर के साधना कॉलोनी में 2 मंजिला बिल्डिंग धराशायी, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी. हादसे में 3 लोगों के इलाज के दौरान मौत, मलबे में फंसे कई लोगों को बचाया गया. असम के बालाजी जिले में कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, इलाके में लाखों लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना. असम में बाढ़ से हालत गंभीर, 19 जिलों में 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 2 लोगों ने गंवाई जान. मैनपुरी में एक शख्स ने छोटे भाई समेत परिवार के 6 लोगों को मारा, फिर खुद को गोली मारकर किया सुसाइड. धारदार हथियार से किया गया अटैक, 2 घायलों का इलाज जारी, वारदात की वजह पता लगाने में जुटी पुलिस. झारखंड के दुमका में बड़ा हादसा, नदी में नहाने के दौरान एक ही परिवार के 3 लोग डूबे. एक शख्स अपनी बेटी और बेटे को टायर के ट्यूब में बैठाकर नदी में नहलाने लेकर गया था, दूर जाने पर संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ. मुंबई के गोरेगांव में स्विमिंग पूल में डूबने से 14 साल के बच्चे की मौत, निजी स्कूल में हुए हादसे में शार्दुल संजय आरोलकर ने गंवाई जान. मुंबई में कई हिस्सों में हुई बारिश, मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत. केदारनाथ मंदिर गर्भगृह मामले में जांच के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी, करीब 125 अरब रुपए के घोटाले का आरोप है. केदारनाथ मंदिर में आई हरियाणा की 3 महिला श्रद्धालुओं की तबियत बिगड़ी, एसडीआरएफ ने श्री केदार बेस हॉस्पिटल में कराया भर्ती. लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में लगी आग से एक दुकान जलकर खाक, किसी के घायल होने की खबर नहीं. आंध्र प्रदेश में प्रकाशन जिले में एक शॉपिंग मॉल में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने संभाला मोर्चा. मैनपुरी हत्याकांड पर पुलिस का बयान, वारदात में इस्तेमाल हथियार को किया गया बरामद, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. मुंबई के बांद्रा के एक क्लब में हुई मारपीट, क्लब के स्टाफ और ग्राहकों में मारपीट, एक ग्राहक हुआ घायल, एफआईआर दर्ज. आईआईटी कानपुर को बड़ी सफलता, 5,000 फीट की ऊंचाई पर क्लाउड सीडिंग से कराई कृत्रिम बारिश. उत्तरकाशी में दिचली पट्टी के एक गांव में दिखा गुलदार, लोगों में दहशत का माहौल. यूएस यात्रा पूरी होने पर पीएम का ट्वीट, लिखा दोनों देशों की मित्रता बढ़ाने के लिए मिलकर करते रहेंगे काम. पीएम मोदी को वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर तोहफों की सलामी देकर किया गया विदा, कई तोहफे भी किए गए भेंट. आर्टेमिस समझौते पर साइन करने वाला 27वां देश बना भारत, अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने किए हस्ताक्षर. पीएम मोदी ने अमेरिकी कारोबारियों को दिया भारत में निवेश का न्योता, कहा सरकार ने निवेश की जमीन तैयार कर दी है. पीएम मोदी ने कहा कारोबारियों के लिए फायदा उठाने का यही उचित समय, सही समय है, जो खेलेगा वही खेलेगा. पीएम मोदी ने कहा जो भारत से जुड़ेगा वो फायदे में रहेगा, जब जब भारत मजबूत हुआ दुनिया को फायदा हुआ.
पीएम मोदी ने भारत को बताया दुनिया का सबसे युवा देश, कहा स्किल और प्रोफेशनल देश भारत के पास है। पीएम मोदी ने भारत में शिक्षा के विस्तार का भी जिक्र किया, कहा हर साल नए आईआईटी आईआईएम भी बन रहे हैं, हर दो दिन में नया कॉलेज भी बन रहा है। पीएम मोदी का भाषण सुनकर भावुक हुई भारतीय मूल की महिला, कहा मुझे अपने देश पर गर्व है। अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबे ने छुए पीएम मोदी के पैर, पहले गाया भारत का राष्ट्रगान। इंटरनेशनल सिंगर मैरी मिलबे ने कहा पीएम की राजकीय यात्रा का हिस्सा बनना सम्मान की बात, मेरे गाए राष्ट्रगान को सुनना अच्छा लगा। यूएस कमीशन के पूर्व कमिश्नर जॉनी मुरे ने कहा अमेरिका भारत के करीब है और बहुत कुछ सीख सकता है, भारत विविधता में एकता का उदाहरण है। पीएम के संबोधन पर बोले अमेरिकी सांसद श्री थानेदार, कहा कभी किसी पीएम के लिए इतना उत्साह नहीं दिखा। पीएम के संबोधन पर बोले ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज के चीफ राकेश मल्होत्रा, भारत की भागीदारी से अमेरिका में बना रोजगार। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा उनका जुनून हमारा गौरव। पीएम मोदी के सम्मान में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने लंच होस्ट किया, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी मौजूद रहे। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने पीएम मोदी के स्वागत करने के मौके पर बताया सम्मान की बात, कहा भारत का प्रभाव आज पूरी दुनिया में। पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका की दोस्ती के और गहरे होने की उम्मीद जताई, कहा भारत अमेरिका मिलकर नई प्रगति कर रहे हैं। पीएम मोदी ने वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की मां को भी याद किया, कहा कमला हैरिस की मां विश्व की महिलाओं के लिए प्रेरणा रही। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन व्हाइट हाउस में इंडिया यूएस हाईटेक हैंडशेक इवेंट का आयोजन, पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिलाया हाथ। हैंडशेक इवेंट में पीएम मोदी अमेरिका के बिजनेस लीडर से मिले, कहा भारत का युवा अपने टैलेंट की वजह से विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। पीएम मोदी ने कहा भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी का मिलन उज्ज्वल भविष्य की गारंटी दे रहा है, साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन का भी शुक्रिया अदा किया। हैंडशेक इवेंट में बोइंग, अमेजन और गूगल जैसी कंपनियों के कई सीईओ शामिल हुए, सबने जताया उत्साह। सुंदर पिचाई ने भारत के डिजिटलीकरण में $10 बिलियन के निवेश की बात कही, कहा गूगल भारत की 100 भाषाओं पर काम कर रहा है। सुंदर पिचाई ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति पर उत्साह जताया, गुजरात के गिफ्ट सिटी में वैश्विक फिटनेस ओपन ऑपरेशन सेंटर खोलने का भी ऐलान किया। अमेजन के सीईओ एंड्रयू जेसी ने भारत में $15 अरब के निवेश का ऐलान किया, कहा अमेजन भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। बोइंग के सीईओ डेव कॉलहॉन ने पीएम मोदी के विमानन और एयरोस्पेस में रुचि का किया जिक्र, कहा भारत इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकता है। पीएम मोदी के एआई वाले बयान का दिखा असर, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एआई लिखा गुलाबी टी शर्ट पीएम मोदी को गिफ्ट किया। यूक्रेन के खेरसॉन पर रूसी मिसाइल अटैक, 2 लोगों की मौत, 4 जख्मी। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पर हुआ अटैक, घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। यूएन के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 9,083 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है, मारे जाने वालों में 530 बच्चे भी शामिल। यूएन ने युद्ध के दौरान आम नागरिकों के साथ हिंसा पर जताई चिंता, कहा अब तक 16,000 से ज्यादा नागरिक घायल हैं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक प्लांट में ब्लास्ट, एक वर्कर की मौत। बैंकॉक में एक स्कूल में फायर ड्रिल के दौरान हुए धमाके में एक छात्र की मौत, 5 छात्र घायल। स्कूल में सालाना फायर ड्रिल किया जा रहा था आयोजन, फायर एग्जीक्यूटर फटने से हुआ हादसा। संजय दत्त ने शेयर किया कुल्हाड़ी से एक लकड़ी काटता वीडियो, 63 साल की उम्र में दिखी संजय दत्त की ताकत। काजोल का दावा, प्यार की बदल गई परिभाषा, 90 के दशक में जो जुनून था अब वो बेवकूफी है। अनिल कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे किए अपने 40 साल, फिल्म वो 7 दिन की क्लिप शेयर कर लिखा, यही वो जगह है जहां से मैं हूं।